वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि योक सैक क्या होता है। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में आपको कई बारी जेस्टेशनल सैक, योक सैक, काफ़ी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये जो योक सैक है ये क्या होता है, इसका प्रेगनेंसी में दिखना क्यों ज़रूरी होता है और इसके बेसिस पर हम क्या कुछ पता कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी में तीन चीज़ों का दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर तब जब आपका पहली बार या दूसरी बारी अल्ट्रासाउंड हो रहा हो और आपकी प्रेगनेंसी लगभग 6 से 7 वीक्स की हो। तो सबसे पहले अगर मैं वीडियो शुरू करूं तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक जानकारी का पता होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। इसे पता करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपको आपकी पीरियड की लास्ट डेट का पता होना चाहिए, जिसे LMP डेट या लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कहते हैं। ये वो दिन है जब आपको आखिरी बार पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। सो मान लीजिए कि आपको 28 दिन का पीरियड साइकिल था, आपने 29वें दिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपने पीरियड्स का वेट करके कि आपको पीरियड्स आएंगे लेकिन नहीं आए, तो 29वें दिन आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव आया। आपने 30वें दिन या 31वें 32वें दिन अल्ट्रासाउंड कराया, तो जानते हैं अल्ट्रासाउंड में हमें प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है। एक झिल्ली जैसी संरचना होती है गोलाकार या अंडाकार की, इसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। प्रेगनेंसी की पहली झलक जो दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बाद हमें इसी झिल्ली के अंदर एक और संरचना लगभग 7 से 10 दिन के बाद दिखाई देती है। इस गोल संरचना को योक सैक कहते हैं। ये योक सैक क्या है? ये योक सैक जो जेस्टेशनल सैक है, इसमें जो बच्चा ग्रो होगा, ये योक सैक उस बच्चे को तब तक न्यूट्रिटिव डाइट देगा, वो सब चीज़ें देगा जिससे बच्चा खुद को ग्रो कर सके, तब तक जब तक प्लेसेंटा बनता नहीं है, मतलब जब तक गर्भनाल बनती नहीं है। ये जो योक सैक है ये दिखना क्यों ज़रूरी होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रेगनेंसी में? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें जेस्टेशनल सैक दिखता है, प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है, कई बारी ये जो जेस्टेशनल सैक है ये नकली सैक भी होता है, जिसे सूडो सैक कहते हैं। जेस्टेशनल सैक में योक सैक का दिखना इस बात का प्रमाण है कि ये जेस्टेशनल सैक ही है। नंबर टू, जब हमें प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है फिर दूसरी झलक दिखाई देती है, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि प्रेगनेंसी सही तरीके से चल रही है, सही प्रोसेस कर रही है, सही दिशा में वो ग्रो हो रही है। नंबर थ्री, जो योक सैक है अगर उसका साइज गोलाकार ना दिखाई देकर किसी और भिन्न आकृति का दिखाई देता है, तो ये हमें पहले ही दर्शा देता है कि प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ है, प्रेगनेंसी जो है वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर रही, ग्रो नहीं हो रही है, जिसके चलते हम उसके रिगार्डिंग कुछ अदर स्टेप ले सकते हैं, कुछ अलग टेस्ट करवा सकते हैं। इस योक सैक का नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए? इस योक सैक का साइज कम से कम 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर योक सैक का साइज 2 मिलीमीटर से कम है तो ये दर्शाता है कि प्रेगनेंसी सही ग्रो नहीं कर रही। वहीं अगर इस योक सैक का साइज 6 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ये भी दर्शाता है कि प्रेगनेंसी सही तरीके से ग्रो नहीं कर रही। साथ ही
ये जो योग सैक है ये प्रेगनेंसी के लगभग 9 से 12 वीक्स में पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है अल्ट्रासाउंड में, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि तब तक प्लेसेंटा पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है और फिर जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए होता है अपनी ग्रो करने के लिए वो प्लेसेंटा से मिलता है। तो योग सैक ने अपना काम कर दिया होता है इसलिए वो डिसअपीयर हो जाता है, मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है और दिखाई नहीं देता। अब कई बारी जो पेशेंट हैं उनसे पूछते हैं कि सर जेस्टेशनल सैक दिखाई दे रहा है लेकिन योग सैक नहीं दिखाई दे रहा, और डॉक्टर ने आपको बोला कि अगर योग सैक कुछ टाइम के बाद नहीं दिखाई दिया तो ये प्रेगनेंसी फेलियर है, एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है। कई बारी उसको एम्प्टी जेस्टेशनल सैक या ब्लाइटेड ओवम भी करके मेंशन करते हैं, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? देखिए, जब जेस्टेशनल सैक का साइज़ 8 mm तक हो जाए तो हमें उसमें योग सैक दिख जाना चाहिए अल्ट्रासाउंड में। अगर नहीं दिखता तो वो चिंता का विषय तो है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि कई बारी जेस्टेशनल सैक का साइज़ जब 18 mm तक हो जाता है तो हमें योग सैक दिखाई देता है, लेकिन अगर 18 mm होने के बावजूद हमें उसमें योग सैक नहीं दिखाई देता तो फिर ये प्रमाण हमें मिल जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो सही डायरेक्शन में ग्रो नहीं कर रही है, जिसके चलते आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाती है। हो सकता है कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़े, जैसे बीटा एससीजी या फिर प्रोजेस्ट्रोन का ब्लड टेस्ट करवाना पड़े, या हो सकता है कि आपको योनि मार्ग से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े जिसे ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।